नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। भारतीय वायुसेना के पायलट ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को 27 फरवरी 2019 को एक पाकिस्तानी F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराने के लिए एक अलंकरण समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा वीर चक्र से सम्मानित किया गया। केंद्र सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संयुक्त राष्ट्र समर्थित कोवैक्स वैश्विक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत कोविड 19 रोधी टीके कोविशील्ड की 50 लाख खुराक नेपाल, तजाकिस्तान और मोजाम्बिक को निर्यात करने की अनुमति दे दी है। नौकरी पेशा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से पूछे बिना भी अब ऑनलाइन अपना ईपीएफ नॉमिनी बदल सकते हैं। पीएफ खाताधारक नया पीएफ नॉमिनेशन दाखिल कर खुद ही पिछले नॉमिनी को बदल सकते हैं। दरअसल ईपीएफओ ने अपने सदस्यों के परिवार के सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में प्रोविडेंट फंड में नॉमिनेशन की सुविधा दी है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना को शुरू किया गया है। इस योजना की शुरुआत 24 अप्रैल 2018 को की गई है। इस शिक्षित लोग जिनकी उम्र 18 से 40 साल के बीच है वो इसके पात्र माने जाएंगे। युवाओं को स्वरोजगार के लिए 25 लाख तक की मदद राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। राज्य में रह रहे युवा कम ब्याज में लोन ले सकेंगे और स्वयं का रोजगार शुरू कर सकेंगे। सोमवार को ताजा अपडेट के अनुसार भारत ने पिछले 24 घंटे की अवधि में 8,488 नए कोरोना वायरस के मामले दर्ज किए हैं। ये आंकड़ा 538 दिनों में सबसे कम है। इसके साथ ही देश में कोविड 19 मामलों की कुल संख्या 3,45,18,901 हो गई है, जबकि सक्रिय मामले घटकर 1,18,443 पर पहुंच गए हैं, जो 534 दिनों में और मार्च 2020 के बाद सबसे कम है। बताया गया है कि कुल मामलों में 1% में कमी आई है। सक्रिय केस लोड वर्तमान में 0.34% है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 3 कृषि कानून को वापस लेने के ऐलान के बाद रविवार को दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई, जिसमें किसान ने कई बड़े फैसले किए हैं। किसानों का कहना है कि प्रधानमंत्री के फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन अभी कई मांगें पूरी होनी बाकी है। वो अपनी मांग के लिए पीएम मोदी को एक खुला खत लिखेंगे। कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ चले किसान आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले किसानों के पारिवारिक सदस्यों को मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने नियुक्ति पत्र सौंपा है। सोमवार को लुधियाना में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री चन्नी ने किसानों के पारिवारिक सदस्यों से कहा है कि सरकार आपके साथ है और आपका पूरा ध्यान रखा जाएगा, लेकिन आंदोलन के दौरान जो जानी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। कोरोना महामारी की पहली लहर के दौरान केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से शुरू की गई महत्वाकांक्षी स्कीम आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का लाभ अब जाकर दिखाई देने लगा है। लॉकडाउन के दौरान नौकरी खोने और बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए शुरू की गई इस योजना के तहत पिछले 10 महीने के दौरान करीब 3.29 मिलियन रोजगार का सृजन किया गया। इस बात की जानकारी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की तरफ से जारी किए गए आंकड़े में दी गई है। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले इसके दुष्प्रभाव के चलते गैर जरूरी सामान वाले ट्रकों को शहर में प्रवेश कर लगने वाली पाबंदी को 26 नवंबर तक बढ़ा दिया है। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ड्रग्स केस को लेकर लगातार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीन वानखेड़े पर निशाना साध रहे हैं। इसी बीच मलिक की बेटी निलोफर मलिक खान ने शनिवार को समीन वानखेड़े की शादी का कथित निमंत्रण पत्र और सर्टिफिकेट पेश किया है। हाल ही में अमेरिका में दिए गए अपने भारत विरोधी बयान के बाद से एक्टर कॉमेडियन वीर दास विवादों में घिर गए हैं। अब वीर ने पूरे विवाद पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि बड़ी हेडलाइन, मैं अपना काम करने के लिए यहाँ हूँ और आगे भी इसे जारी रखूंगा, मैं नहीं रुकूंगा, मेरा काम लोगों को हंसाना है और अगर आपको ये अजीब नहीं लगता तो मत हंसो, मैंने आज तक किसी भी सेंसरशिप का सामना नहीं किया है। पेटीएम के पेरेंट कंपनी और हाल ही में लिस्ट हुई 197 कम्युनिकेशंस में सोमवार को लगातार दूसरे दिन गिरावट देखी गई। 22 नवंबर को कंपनी के शेयर में करीब 14% की गिरावट आई है। बाजार के जानकारों के मुताबिक शेयर के वैल्यूएशन को लेकर चिंताएं हैं। एंट ग्रुप के समर्थन वाला 18,300 करोड़ रुपए का IPO इस महीने की शुरुआत में 1.89 गुना ओवर सब्सक्राइब किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक इस हफ्ते भी लोगों को बारिश से निजात नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक अगले 5 दिनों के दौरान कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश की आशंका है। इसके लिए मौसम विभाग ने यहां अलर्ट जारी किया हुआ है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने परमवीर सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उन्हें जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है। वहीं सिंह के वकील ने कोर्ट को बताया है कि वो देश में ही है और वो 48 घंटे में सीबीआई के सामने पेश होने के लिए तैयार है। फिल्म सूर्यवंशी की रिलीज को भले 2 हफ्ते पूरे हो गए हों, लेकिन थिएटर्स पर फिल्म अब भी फैंस को
अपनी तरफ खींच रही है और यही कारण है कि रोहित शेट्टी के डायरेक्शन तले बनी इस एक्शन फिल्म को ऑडियंस समेत क्रिटिक्स का भी जबरदस्त प्यार देखने को मिल रहा है। ऑडियंस का प्यार इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर भी साफ नजर आ रहा है। ये फिल्म रिलीज के 17वें दिन बाद भी 266.23 करोड़ के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कमाने में कामयाब रही है। कमजोर वैश्विक संकेतों और लगातार विदेशी कोषों के बाहर जाने के बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज, कोटक बैंक और बजाज फाइनेंस जैसे बड़े शेयरों में गिरावट के चलते प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स सोमवार को शुरुआती कारोबार में 400 अंकों से अधिक टूट गया। शेयर बाजार के बिग बुल राकेश झुंझुनवाला की हिस्सेदारी वाली हेल्थ इंश्योरेंस क्षेत्र की दिग्गज कंपनी स्टार हेल्थ एंड अलाइट इंश्योरेंस कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। माना जा रहा है कि इससे नवंबर महीने के आखिरी हफ्ते में स्टार हेल्थ अपना आईपीओ लेकर आएगी। कंपनी की योजना आईपीओ के जरिए 7500 करोड़ रुपए जुटाने की है। जीवन बीमा प्रीमियम अगले महीने से हो सकता है महंगा। सभी बीमा कंपनियां इस पर फिलहाल विचार कर रही हैं, लेकिन माना जा रहा है कि अगले महीने दिसंबर से जीवन बीमा प्रीमियम 30-40% तक महंगा हो सकता है। कांग्रेस ने रविवार को अरुणाचल सीमा पर चीनी घुसपैठ पर चुप्पी को लेकर सरकार से सवाल किया। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने रविवार को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाया और कहा कि चीनी लोगों ने उस क्षेत्र में भारतीय सीमा में घुसपैठ की है जिसे हम अपना होने का दावा करते हैं। देश की दिग्गज टेलीकॉम कंपनियों में शुमार भारतीय एयरटेल ने अपने उपभोक्ताओं को बड़ा झटका दिया है। उसने प्रीपेड प्लान्स की दरों में तकरीबन 25% तक बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। कंपनी की तरफ से बढ़ाई गई नई दरें आगामी 26 नवंबर 2021 से लागू होंगी। कंपनी की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि भारतीय एयरटेल ने हमेशा यह सुनिश्चित किया है कि प्रति यूजर मोबाइल और औसत राजस्व कम से कम 200 रुपये और अधिकतम 300 रुपये होने चाहिए। भारत की टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के बेटे अजहान की तबीयत बिगड़ गई है। बेटे की सेहत बिगड़ने के चलते पिता शोएब मलिक को भी बांग्लादेश दौरा बीच में छोड़कर आना पड़ा। शोएब मलिक बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे और आखिरी T20 में हिस्सा नहीं लेंगे। बेटे की सेहत की खबर मिलते ही उन्होंने ढाका से दुबई की फ्लाइट पकड़ ली थी। अनुपमा सीरियल के चाहने वाले भी बहुत हैं, मगर इस बार शो के फैंस के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। अनुपमा यानी रूपाली गांगुली की मां का किरदार निभाने वाली माधवी गोगटे का निधन हो गया है। खबर थी कि माधवी कोरोना से संक्रमित थी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बताया जा रहा था कि वक्त के साथ उनकी तबीयत में सुधार आ रही थी, मगर अचानक से रविवार दोपहर में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। बाजार में गिरावट से पेटीएम की पेरेंट कंपनी 17 कम्युनिकेशन लिमिटेड के फाउंडर विजय शेखर शर्मा को बड़ा नुकसान हुआ है। दो दिन में उनकी दौलत 5,895 करोड़ रुपए यानी कि 78.1 करोड़ डॉलर घट गई है। आईपीओ से पहले फर्म में शर्मा की हिस्सेदारी की वैल्यू 2.3 अरब डॉलर थी, जिसका इश्यू प्राइस 2,150 रुपए था। 2000 में कंपनी की स्थापना करने वाले शर्मा के पास पेटीएम में 9.1% हिस्सेदारी या करीब 6 करोड़ इक्विटी शेयर है। उनके पास फर्म में 2.1 करोड़ ऑप्शंस भी हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सोमवार को 4 दिवसीय दौरे के लिए दिल्ली आ गई हैं। वो 22 नवंबर से 25 नवंबर तक दिल्ली में रहेंगी। इस दौरान ममता विभिन्न विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर सकती हैं, जो 29 नवंबर से शुरू होने जा रहे संसद सत्र के मद्देनजर यहां पहुंचने वाले हैं। भारतीय रेलवे भर्ती बोर्ड ने दक्षिण पूर्व रेलवे के तहत अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन भर सकते हैं। जानकारी अधिसूचना के अनुसार आवेदन करने की आखिरी तारीख 14 दिसंबर 2021 तय की गई है। देश को उत्साह से भरते हुए जर्सी के पोस्टर में सुपरस्टार शाहिद कपूर पहले कभी नहीं देखे गए अवतार में दिखाई दे रहे हैं। भारत के पसंदीदा खेल क्रिकेट की पृष्ठभूमि पर सेट जर्सी एक दलित व्यक्ति की कहानी पर प्रकाश डालता है और मानवीय भावना का जश्न मनाता है। पोस्टर रिलीज ने फिल्म के लिए एक्साइटमेंट को और बढ़ा दिया है। राहुल द्रविड़ से तुलना करते हुए गौतम गंभीर ने पूर्व हेड कोच शास्त्री को आड़े हाथों लिया है, जिसके तहत मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि एक चीज जो मुझे अजीज लगी थी वो यह कि जब आप अच्छा खेलते हैं तो आप खुद की तारीफ नहीं करते हैं। ये ठीक है अगर बाकी लोग इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन जब हमने 2011 वर्ल्ड कप जीता था हम में से किसी ने यह बयान नहीं दिया था कि यह दुनिया की बेस्ट टीम है। उन्होंने आगे कहा कि जब आप जीतते हैं तो बाकी लोगों को इसके बारे में बात करने दीजिए। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कुछ दिनों पहले ही अपने एक बयान में पाकिस्तान की निंदा करते हुए कहा था कि अगर पड़ोसी देश बाज नहीं आया तो नया भारत मुंहतोड़ जवाब देगा। पाकिस्तान ने भी राजनाथ सिंह के इस बयान से मिर्ची लगने की खबर सामने आई है। पाकिस्तान ने भारतीय रक्षा मंत्री के इस बयान को अत्यधिक गैर जिम्मेदार, भड़काऊ और अनावश्यक बताया है। द ग्रेट खली सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। फैंस के लिए वो एक से एक मजेदार वीडियोस भी शेयर करते रहते हैं। इनमें कई वीडियोस तो ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर लोग की हंसी छूट जाती है। उनका एक नया वीडियो सामने आया है जिसे देखकर लोग हंस भी रहे हैं और मजे भी ले रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में वो जूस पर ठेले से निकालते देख रहे हैं
दिख रहे हैं, लेकिन लोगों ने उस वीडियो में कुछ ऐसा देखा जिसको लेकर उनका जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है। वैश्विक आर्थिक सुधार के बीच प्रमुख उत्पादों की तेज विदेशी मांग के कारण दक्षिण कोरिया का निर्यात 2021 में अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंचने की उम्मीद है। साथ ही विकास गति अगले साल जारी होने की संभावना है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है रघुनाथ प्रसाद, रितेश कुमार यादव, रमेश कुमार, राजेश सौंधियाल, पवन बीटीसी टेके, इस्लामिक तसव्वुर, अभिनव कुमार, मोहम्मद महमूद अंसारी, नूरुद्दीन खान, जीके प्लस, शिवजनम गुप्ता, राजीव कुमार, नुन्नू कुमार, नीरज कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार पर्यटन के लिहाज से भारत का कौन सा राज्य सबसे सुंदर है? अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूले। धन्यवाद।